हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे यूके SSSC पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आप उन टीचर्स के डेमो वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे पिछले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है 15 अगस्त आपका आ रहा है और इस 15 अगस्त में जो वार पड़ेगा वो आपको पता है सोमवार है। तो ये सोमवार आप निकालोगे कैसे, राइट? अगर आपको डेट दी जाए तो उस डेट पे आपको बताना हो कि आज कौन सा वार है, तो बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 15 अगस्त 2022 आपको पता है सोमवार है। अभी सोमवार आया कैसे उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अभी आप कौन से ईयर में चल रहे हैं, 2022 में चल रहे हैं, राइट? अब इस 2022 से पहले कितने ईयर कंप्लीट हो गए, 2021 तक कंप्लीट हो गए। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में कितने होंगे, 5 का डबल 10, लेकिन 10 में से आप 7 दिन अलग करोगे तो उनका एक वीक कंप्लीट होगा और ये 3 ऑड डे बचेंगे। 300 साल की बात करें तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, 5 × 3 = 15, 100 में 5 तो 300 में 15, 15 में 14 दिन अलग कर लो, बचा एक दिन, तो एक ऑड डे क्योंकि दो वीक कंप्लीट हो गए। अब अगर 400 साल की बात करें तो 5 × 20, 20 दिन वो आए 5 के हिसाब से, और 400 साल जो है, जो 400 है ये आपका 400 सेंचुरी है। और जब आप किसी सेंचुरी को 400 से डिवाइड करोगे, जैसे आप यहाँ पे 400 को 400 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कोई सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि वो जो आपको ईयर मिल रहा है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में आपका एक दिन एक्स्ट्रा और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +1, यानी 21 डेज, और 21 डेज में 3 वीक्स होते हैं, 7 × 21, तो आपका 0 ऑड डे। और इस तरह 400 के मल्टीपल में जो भी ईयर्स आएंगे उन सब में 0 ऑड डे होंगे, 800 में 0, 1600 में, 1200 में 0, 1600 में 0, राइट? तो 400 के मल्टीपल में जो भी ईयर होंगे वो क्या होंगे, उन सब में क्या होगा, 0 ऑड डे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, राइट? अब देखिए, तो यहाँ पे आपको देखना है 2021 है, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2000 + 21, तो इस 2000 में 0 ऑड डे हो गए, 0 ऑड डे। अब 21 ईयर आपके पास और है, तो इस 21 ईयर में आप पहले नोटिस करो कि कितने आपके पास लीप ईयर होंगे और कितने आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो इस 21 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 5 बार तो कंप्लीट किया टेबल, तो यानी 5 तो इसमें लीप ईयर होंगे, और बाकी बचे कितने, 21 में से 5 माइनस कर दो, यानी बचे आपके कितने, 16। तो 16 ईयर क्या होंगे, आपके ऑर्डिनरी होंगे, ऑर्डिनरी ईयर, और ये लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 5 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 10, और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 16 में कितने होंगे, 16, करेक्ट? तो यानी इस 2021 तक कितने आपके ऑड डे आपने निकाले, इस तरह से आपने कैलकुलेट किए, इन सबका सम कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें से भी और डिवाइड कर सकते हैं आप, लेकिन अभी मत कीजिए, इन सबका सम कर दीजिए। 16 और 10 कितना हो गया, 26 ही आया, और 2000 में 0, तो यानी 2021 तक आपको 26 क्या मिले, डे मिले, जब आपने इनका समेशन किया, तो 26 मिला के भी छोड़ दीजिए। अब आगे की बात करते हैं, सॉरी, अब चल रहा है आपका करंट ईयर कौन सा, 2022, बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2022 की। अब करंट ईयर पर आते हैं, आपका जनवरी बीत चुका है, फेब भी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में आप पहुंचे, अगस्त में पूरे नहीं आए। अब जो 2022 है ये क्या है आपका, ये एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई नॉर्मली ईयर दिया होता है तो उसको आप 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो भाई साहब वो लीप ईयर है, अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। अब आप कहेंगे सर, आपने इससे पहले तो लीप ईयर के लिए 400 से डिवाइड किया था, बट 400 से आप सेंचुरी को डिवाइड करते हैं,
अगर मान लो 2100 होता तो आप 400 से डिवाइड करते, 2200 होता तो 400 से डिवाइड करते, सेंचुरी नहीं है आपका, क्या है नॉर्मल सा ईयर है, तो उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो आप 4 से करेंगे, अगर सेंचुरी होती तो आप 400 से डिवाइड करते। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 फिर 0, फिर कितना आएगा 22, एक साल देंगे 4 5 20, फिर 2 बच गया, यानी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो यानी कि जनवरी कितने की होगी, 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 30, मई 31, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आपका 30, जुलाई आपका 31, अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन अगस्त में हम पूरा नहीं पहुंचे, 15 अगस्त पर जाना है हमको। तो देखो ये सबको जोड़ोगे आप कितना निकल के आएगा, 8 और 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 हंसी लगो 1। अच्छा एक और चीज़, इसको भी क्यों कर रहे हैं, ये भी लंबा है, छोड़ो इसको भी छोड़ो, इतना जोड़ेंगे फिर डे ऐड करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इसमें कितने ऑड डे आ रहे हैं, हर एक मंथ का ऑड डे निकाल लो, सबसे आसान तरीका, इसको भी क्यों कर रहे हैं, इतना जोड़ के फिर इतना सारा जोड़ोगे फिर आगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 31 है, आप 31 डेज में वीक काउंट कर लीजिए, 4 वीक निकल के आएंगे जिसमें 28 दिन होंगे, कितने दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 चक्को 28, 4 बार कंप्लीट जा रहे हैं और बाकी रिमाइंडर के आप क्या ऑड डे हैं, तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना ऑड डे, फरवरी 0, 7 चक्को 28, तो कोई भी दिन नहीं बच रहा है, 0 ऑड डे, 31 में फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, राइट, इन सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 12 13 13 3 16, फिर से 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 12 13 13 16, तो 16 दिन आपको यहाँ पे मिले, साथ में 15 तारीख तक आप और पहुँच गए। तो यहाँ पे आपको क्या और ऐड करना है, इस 15 को और ऐड करना है, क्योंकि 15 अगस्त में आप आ चुके हो, ठीक है, तो 16 में 15 और जोड़ दो, 16 में 15 जोड़ोगे ये हो जाएगा 31। अब आपको लास्ट काम क्या करना है, इस 26 को और इस 31 को जोड़ना है, क्योंकि हम पूरा 15 अगस्त 2022 में पहुंच चुके हैं, दोनों को जोड़ेंगे 26 और 31, तो कितना आएगा, 6 और 1 7 3 2 5 57, 57 आया। अब आपको करना क्या है, इस 57 को डिवाइड करना है 7 से, क्यों, क्योंकि हमको ऑड डे निकालने हैं, तो जो जिनके हफ्ते कंप्लीट हो गए तो वो तो ऑड डे में नहीं आएंगे, राइट, और जो कंप्लीट नहीं हुए वो हमको रिमाइंडर मिलेगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमको आंसर देने वाला है। तो देखो 7 8 56, राइट, 57 में 56 माइनस करोगे 1 बचेगा। अब ध्यान देना, ध्यान देना, आप जब किसी भी चीज़ किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 2 3 4 5 6, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो भाई साहब संडे, शॉर्ट में लिखते हैं संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, राइट, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, और अगर 6 है तो सैटरडे, राइट, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, तो 1 बच रहा है मतलब मंडे। तो जो आपका 15 अगस्त है वो आपका किस डे में पड़ रहा है, सॉरी 15 अगस्त 2022 कब पड़ रहा है, मंडे को, और मंडे को ही आपका 15 अगस्त है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, ठीक है, अभी तो एक बार में आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आप फ्यूचर की डेट कोई भी निकालिए या पूरा कैलेंडर बनाइए, आप सारी डेट्स बहुत इजी वे में कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो आई होप गाइस ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, बट आपको लर्न क्या करना है, 100 डेज में 5 ऑड डे होते हैं और एक रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, राइट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है, ऑड ईयर इवन ईयर, राइट, बस इतना है, आपको कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।